पांच तत्वों से बने इस शरीर में विराजमान, मैं एक विदेही आत्मा हूं। इस शरीर में रहकर भी शरीर से अलग हूं। सृष्टि के आदिकाल से अब तक मुझ आत्मा ने अनेक शरीर धारण किए हैं। अनेक जन्म लिए हैं। अनेक जन्मों में अनेक संबंधों में आते आते मेरे अनेक आत्माओं के साथ हिसाब किताब जुट गए थे। मुझ आत्मा पर हिसाब किताबों का बोझ सा लगने लगा था। अब इस अंतिम जन्म में मुझे सारी हिसाब किताब चुक तू कर वापस घर जाना है। मेरे पुराने स्वभाव संस्कारों के कारण अपने तन द्वारा आने वाले संबंध संपर्क की आत्माओं द्वारा आने वाले प्रकृति द्वारा आने वाले सभी हिसाब किताबों को समाप्त कर अब मुझे घर चलना है। मैं तीव्र पुरुषार्थी आत्मा सभी पुराने खातों को समाप्त कर बोझ मुक्त होने का संकल्प मन में लिए अपना लाइट का आकारी शरीर धारण कर उड़ चलता हूं अव्यक्त वतन की ओर। लाइट की स्पीड से उड़ते हुए नील गगन को पार कर मैं पहुंच जाता हूं अपने प्यारे वतन, सूक्ष्म वतन। यहां चारों ओर सुखद चांदनी सा प्रकाश ही प्रकाश है।
सामने रहम के सागर बाप दादा खड़े हैं। बाबा मुस्कुराते हुए मुझ फरिश्ते का वेलकम कर रहे हैं। मैं फरिश्ता बाबा से कहता हूं, बाबा मुझे कर्मों की गुह्य गति का ज्ञान देने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। मैं तो यह नहीं जानता था कि अनेक जन्मों में मैंने किन किन आत्माओं को दुख दिया, दुख लिया। किन आत्माओं से मेरा हिसाब किताब है? पर आज मैं आपकी मदद से इन सभी आत्माओं से अपना हिसाब किताब चुकता करने आया हूं। अब रहम के सागर बाबा उन सभी आत्माओं को वतन में इमर्ज करते हैं जिनको मैंने अनेक जन्मों में दुख दिया, धोखा दिया, परेशान किया। मैं उन सभी आत्माओं को देख रहा हूं जो मुझसे नाराज है, आहत है, दुखी है, परेशान है, मुझ पर क्रोधित है। मैं उन सभी आत्माओं से कहता हूं, हे मेरे आत्मा भाइयों, मेरे दुर्व्यवहार के लिए आज मैं आपसे दिल से क्षमा याचना करता हूं। मैंने जो भी किया अज्ञान के वश किया, उन सभी बातों के लिए आप मुझे क्षमा कर दो। अब बाप दादा से निकली हुई
सुख शांति की किरणें मुझसे होकर उन सभी आत्माओं पर पड़ रही है। इन किरणों को प्राप्त करके वे शांत होती जा रही है। उनका मेरे प्रति रोष कम होता जा रहा है। वे मुझे मेरे दुर्व्यवहार के लिए माफ कर रही है। बाबा की शक्तिशाली किरणों से उन्हें सुख की अनुभूति हो रही है। बाबा की मदद से इन आत्माओं से मेरे जो भी हिसाब किताब थे समाप्त हो गए हैं। अब बाबा वतन में उन आत्माओं को इमर्ज कर रहे हैं जिन आत्माओं ने मुझे दुख दिया। मुझसे छल कपट किया। मेरे विरुद्ध षड्यंत्र किए। मेरा अपमान किया। मुझे नीचा दिखाने की कोशिश की। मैं इन सभी आत्माओं से कह रहा हूं, हे आत्माओं, आपका इसमें कोई दोष नहीं। आपने मुझसे जो कुछ भी किया मेरे ही कर्मों का तो फल था। जो भी हुआ ड्रामा अनुसार हुआ। जो किसी के हाथ में नहीं था इस ड्रामा में आपसे जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं आपको दिल से क्षमा दान करता हूं। अब सर्वशक्तिवान प्रेम के सागर बाबा से निकली हुई
शक्ति और प्रेम की किरणें उन आत्माओं पर पड़ रही है वे सभी आत्माएं परमात्मा प्रेम का अनुभव कर रही है परमात्मा शक्तियों से भरपूर हो रही है अब वतन में वे आत्माएं इमर्ज हो गई है जिन्होंने मुझे जीवन में सहयोग दिया मेरी जीवन यात्रा सुखद करने में मेरी मदद की मैं इन सभी संबंध संपर्क में आने वाली आत्माओं को दिल से धन्यवाद करता हूं पवित्रता के सागर आनंद के सागर बाबा से पवित्रता और आनंद की किरणें लेकर मैं उन आत्माओं को दे रहा हूं सर्वशक्तिवान बाबा की मदद से अपने अनेक जन्मों के हिसाब किताब चुप्त करके मैं हल्का हो जाता हूं और अब बाबा की आज्ञा लेकर मैं धीरे धीरे सूक्ष्म वतन से नीचे उतर रहा हूं देख रहा हूं सृष्टि के ग्लोब को प्रकृति के पांच तत्वों को मैं प्रकृति को मेरी पालना करने के लिए धन्यवाद करता हूं प्रकृति के पांच तत्वों को मुझे सुख देने के लिए मेरे सहयोगी बनने के लिए दिल से धन्यवाद करता हूं और अब धीरे धीरे और नीचे आकर मैं फिर से इस सृष्टि रूपी ड्रामा की स्टेज पर
साक्षी होकर पाड़ बजाने के लिए अवतरित होता हूं। शांति।